यूके में आकर इतने साल के बाद भी गाड़ी नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास होगा, है ना? नहीं, मैं अभी थोड़ा सर्वे करा रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए कि जो मतलब गाड़ी नहीं है, वो लोग बोलेंगे, लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा है, अभी तक है ना हम लोगों को कोई जरूरत नहीं लगा, लेकिन मुझे संतोष को अभी भी नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे अभी लग रहा है गाड़ी है तो एक लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते थे। सही है, बिल्कुल सही बात है, लॉन्ग ड्राइव। मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि सीखो ड्राइविंग फटाफट, तुम सीखो, गाड़ी खरीद के देता हूँ और उसके बाद में हमको भी लेके जाओ, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हर बार मैं गाड़ी के बारे में बोलते तो यही बोलते, तुम सीखो पहले, तुम सीखो, नेक्स्ट ईयर की ड्राइव होगा तुम 17 में थोड़ा रुका कि तू ड्राइविंग लाइसेंस कि। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। कुछ मैडम इधर होमवर्क कर रहे हैं, लास्ट ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा था। आई हैव वन मोर रूम। देखो एक हफ्ते से होमवर्क इधर चल रहा है। आज का मौसम इतना अच्छा है, ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई बीच के साइड जाओ तो रिवर साइड है ना, किंगस्टन में रिवर साइड है ना, उधर जाने का इच्छा हो रहा है, लेकिन ये मैडम का ट्यूशन है आज। हाँ, मैडम अलाउड नहीं करेगी, लेकिन आज संतोष और जुमसी शायद जाएगा, है ना? जाएंगे। ओह माय गॉश, अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं बाल कटाने के लिए। अभी लॉकडाउन के बाद में कल ही बार्बर शॉप और काफी सारी दुकानें खुली है, तो हमने सोचा है कि अभी कटा लेते हैं बाल, क्योंकि अगर कुछ दिन के बाद में फिर अगर बढ़ गया और फिर से लॉकडाउन वगैरह हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं जाके कैसा भीड़ है, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ तो नहीं कराएंगे। सबसे यही बाल कटर है, आइसक्रीम मैन, कैश ओनली, खुला हुआ है पर कोई है नहीं। मार्क्स एंड स्पेंसर में इन्होंने क्यू लगा रखा है। कल से किंगस्टन में ये पब्स वगैरह खुल गए हैं, अभी तक पब्स बंद थे। ये भी एक पब है लेकिन ये अभी तक खुला नहीं है। मेरा ये मास्क यहाँ से टूट गया है, दिख रहा होगा आपको, शायद मेरे को वापस घर जाना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि मेरा आज हेयर कट हो पाएगा। थोड़ा सा टाइट करने के लिए खींचा पीछे से। So now I got my hair cut and now I'm going home and my dad went to record something else, I don't know what. I think I cut it too short, but we'll see how short it is. Like, look at this. I think it's like way too short. But anyway, even if there might be coronavirus in 2 months' time, so we never know. So yeah, it's like 100 degrees out here. I need to take it off, but it's so hot. It's like sweaty all over here and my back. As you saw, my dad's mask here, it broke. So now it's like flapping like this when the wind comes. So I don't know what he's gonna do now. What are you doing? कपड़ा सुखाने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि वो लोग आएगा ना तो वॉशिंग मशीन खाली होना चाहिए। एक मिनट। चुंसी को मैंने बोला था थोड़ा हेयर शॉर्ट कर कराना, क्योंकि पता नहीं अभी नेक्स्ट महीना कट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उसने बोला नहीं, सिर्फ ये साइड ही कट करेंगे, क्योंकि उसको ना रोनाल्डो के जैसा इधर ऐसे बाल बांधना है। और ये लोग दोनों गए ना, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैं साथ में तो ना थोड़ा ध्यान रखता है, क्योंकि चुंसी को एक आदत है हमेशा है ना नाक ऐसा ऐसा करना। Yeah, he keeps going like, हाँ, like that. आप लोगों से कुछ लोगों ने नोटिस भी किया है, मास्क
मास्क कौन दिया मड़ा है? 45. मास्क टूट गया संतोष का, लेकिन कैसे मैनेज किया फिर? तो मैनेज तो क्या, मतलब ठीक था, मतलब मैं किसी दुकान में गया नहीं, मैंने अपने बाल भी नहीं कटाए, मेरे को डर लग रहा था जब मैं MNS और जो हाई स्ट्रीट के से चल रहा था, तो मुझे डर लग रहा था एक, मतलब 3 महीने के बाद जब बाहर निकले हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे लगा हुआ है कि मतलब ये 2 मीटर का डिस्टेंस है नहीं है, सब लोगों के बीच में से निकल रहे हैं, कई बार तो एक मतलब डिस्टेंस ज़्यादा था ही नहीं, तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ मैं, तो एक फीलिंग है अभी भी अंदर की, हाँ सब कुछ ठीक नहीं है करके एक फीलिंग होता है ना, कि अभी भी मैं कम्फर्टेबल नहीं हूँ बाहर आने में। पब्स में भी उतना ज्यादा भीड़ नहीं था, हो सकता है कि कल लोगों ने ऑलरेडी पब एंजॉय कर लिया है सैटरडे के हिसाब से, लेकिन आज जितना मेरे को लगा नहीं बहुत ज्यादा। और इधर सब लोग घर में ही पीते हैं ना, शायद इसी वजह से भी होगा। पॉसिबल है कि घर में ज्यादा मतलब स्टॉक है सबके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत जगह पे दुकानों में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स लगा रखे हैं, मैं देखा MNS के बाहर भी क्यू वगैरह था। और हेयर कट का उधर रिकॉर्ड किया? हेयर कट मैंने अंदर का कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। कैसे कुछ अच्छे से वो लोग सब बाहर मतलब अच्छे से किया, अंदर के मास्क सब पहन कर, मास्क पहन के कर रहे कट कर रहे हैं, मास्क पहन के कट कर रहे हैं, ये मैंने सब जगह देखा मास्क पहना हुआ है, बहुत जनों ने वो भी लगा हुआ है मतलब शील्ड जैसा। टूथ फेरी ट्यूशन टीचर को लिखा था यार, टूथफरी को लिखा था ट्यूशन कैंसिल करने के लिए, ट्यूशन टीचर बीमार पड़ गई, टूथफरी ने विश पूरा कर दिया। नानी चुंगसी और मेरा सेकंड राउंड है बाहर जाने का। चुंगसी कहाँ जा रहे हैं? रन विद माय कोच फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 months। अभी मैं और खुशी आई है रिचमन पार्क। चुंगसी है ना अपना वाटर बॉटल लेना भूल गई थी, वो देने के लिए आया था, संतोष बीच में आकर बॉटल लेके गया, लेकिन अब देखो मुझे लगता है हम लोग लॉस्ट हो गया। आई डू नॉट लाइक, मुझे कोई आइडिया नहीं है किधर से जाना है। विंड देखो, चुंगसी दिख रहे है, खुशी देखो चटा इधर है, चटाई है ना, हाँ चुंगसी चुंग्स अच्छा बंद। ओ संतोष उधर है, चुंगसी दे बड़ा चुंगसी उधर है, किधर गया So now we were like at the back, now we're at the front where like the entrance is, and look how many people there are. Let me zoom in. Some people are there, people are there, and yeah, there's a lot. अभी हम लोग घर पहुंच गया और मैंने देखो टीवी भी ऑफ नहीं किया था, उतना इधर संतोष उधर से बुला रहे हैं, खुशी को इधर से नहीं जाना है। हाँ बच्चा कि बाहर जाकर एंजॉय भी किया है। What is this going on over there? Mr. Akash, this is a beach restaurant. If you would like to come in? Yes. Yeah, please come, sir. Are they your family members? No, I don't know who they are. I'm Junior Santosh. Can we have 2 ice creams? A blueberry ice cream and a strawberry ice cream. This is all because she does not have the tuition today. How's the preparations going? I need to rate this hotel, restaurant. It's a beach restaurant. Don't forget that. I reckon if you want to take a seat, I can put a chair for you. Oh no, I'm rating the restaurant. So let me just see how everything is going. All right. So sir, this is a 5-star restaurant. We have a chef down in. He's a Michelin star chef and he cooks fabulous food, and he's going to go tonight something fish. Can I see him? Yeah, he's going to come in 5 minutes. I'm just going to serve and then come back. Okay. There are 2 guests here. Ma'am, would you like to get served? Down here or on the chair, please, ma'am? Maybe we would like it on the chair. On the chair, ma'am? Right.
So what's this pink one? This is a strawberry ice cream and the other is a blueberry ice cream. The two different delicious ice creams served in our. This one is very, very cold. Yeah? So, do you want to come inside? No, I want to meet the chef. Alright. I'm going to get the chef to meet you. Sure, you wanted to meet me? Yes, I want to see what you're going to make today. Oh, well, sir, today we have a very, very nice fresh fish in the fridge, which we are going to cook in the evening. And then we're going to get some paneer out there, which looks like you like paneer. And I guess, I reckon you will like some paneer here. I'm going to cook some of that. Junior Santosh, we both would like some lattes. All right, ma'am. Right, it's coming here. And be careful, ma'am, it's really, really hot. Very careful, this one is a bit harder. As you told, for a hard coffee, this one is a bit light coffee. For the big ma'am here. Beach aa gaya to thoda sa sona bhi chahiye. Ma'am, I really don't understand. Can you please? Oh, I'll try, maybe do try to make it out. There's some brown pebbles and some white pebbles. Put two brown pebbles in this one, two white pebbles in that one, and also the same with that. Barbecue beets? Yeah. And some toppings, pineapple toppings on the top? Yeah. And which sauce would you have, like to have at the base? Ketchup. Oh, ma'am, for you? Risotto. You want risotto? Yes. I'll get you risotto as well. I want to see how you rate this restaurant. Do you like this restaurant? Oh, it's amazing. Because especially when you have no tuition. How much does this cost? Is this cheap? Can everybody come here to this restaurant? Oh, yes. It's only about £5. The food looks quite tasty right here. And what is happening? The outrageous behavior I am witnessing right now. Are you kidding me? This is a joke. This five-star restaurant. This is a special pizza. It's actually made up of biscuits and you said some tomato paste and you asked for some banana toppings. It's a fantastic, fabulous pizza from my end, please. Enjoy. I think I eat tomato ketchup. And mayonnaise. This is a very Indian style risotto coming there. It's very, very fresh, made out of our oven. It comes with some spicy toppings on top of it. Thank you. Enjoy. How do you make this food? Oh, this is... This is actually a five-star restaurant run by our family business. You know, it's been there for 60, 70 years now. And, you know, my dad and my grandparents, everybody used to come here. And this is our beach house. And you'll see this is, gives a homely atmosphere for the people. And the food here is always cooked fresh. I heard that you had like a different faraway cousin who is very famous cook. Oh, yes. He's from India. He's coming from the Chennai and he speaks only Tamil. Lovely guy. Are you talking about him? Yeah, can we meet him? All right. Yeah, he's just busy a little bit. I'll call him. Yeah, just... Yeah, okay. So guys, the seashells are here, but where's the sea? Yeah, look. Oh, yes. As you can see, yeah. Do you guys want to play in the sea, maybe? No. Kitna sara seashell bhi hum logon ne cut kiya hai. Dekho. Yenna tambi? Yennache? Can you speak? Can you understand English? Illa Tamil. Tamil ther matra mathariyu. Do you know how to speak Tamil? Konjam konjam. Ethra nalache inga vandha. 1 hour actually. So, what's your name? Yam Ye Nariyal Paniwala. How long have you been in this restaurant for? Adu vandu 5 varsham aayichu. When did you decide that you wanted to be a chef? I was in kutti kalathile periya chef illa. Namma vandha adu vandha irukalam. So who's your number one inspiration to become a chef? Talaivar da. Is that superstar Rajini? Oh, Rajini. Yeah. So thank you for your cooperation. Nandri. I hope to see you again soon. Yeah. We want to take a photo with you. Can you? Alright. Yeah. I thought you never spoke. Photo.
Sit here, please. Come sit here. Reporter, take one photo. He's a Rajini fan. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आज नेक्स्ट है, कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि 20 डे के बाद हम लोग बहुत लेट हो गया था. कल मैं डिनर में केरला स्टाइल सेमिया उपमा बनाया था, आप लोगों को मालूम होगा इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ. हम लोग सब अभी बेडरूम में है क्योंकि संतोष का कॉल चल रहा है. चिंसी का हेयर कट एक बार प्रॉपरली दिखा दो. चिंसी का ना ऐसा पोनीटेल बनाना है, लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ये अच्छा है. Yep. Hello, Jinxie. Yeah. You doubt? No, he had but in like 2 days or a couple of weeks. और बीच डे है ना, खुशी की वजह से हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया. खुशी का आइडिया था और शेफ संतोष कुमार भी बहुत चुंगसी हंस हंस का पागल हो गया था. और अभी वीडियो ऑन करूं? Yeah. पहले फन फैक्ट बोल देते हैं, फिर कुछ व्यूअर्स का नाम लेते हैं. In fact, बता दो. Water on the moon was discovered by India in September 2009. India's ISRO Chandrayaan 1, using its moon mineralogy mapper, detected water on the moon for the first time. That is, I did not know that at all. I thought it was like USA or Russia or something. अभी कुछ viewers का नाम लेने जा रहे हैं. So first is Arya Tiwari, and then Mohammed from Bradford, then Uday Patel, and then Samia. हाय एवरीवन, ठीक है सबका नाम लिया है. अभी ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ. आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा. प्लीज़ पसंद आ गया तो लाइक करने का कंजूसी मत कर लो. प्लीज़ 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 लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी भूलना नहीं. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.